अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन अयूब टीवी चैनल। आज हम SPSS में इंडिपेंडेंट टी टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है, डेटा जो है वो इंटर करना मैंने पहले भी सिखाया है और यहाँ पे मेरा डेटा ऑलरेडी इंटर्ड है। टाइम को सेव करने के लिए मैंने उसको इंटर किया हुआ है। मैं पहले जैसे वीडियो में भी कह चुकी हूँ कि जब हमारे पास अनरिलेटेड टू ग्रुप्स का मीन कंपेरिजन करना हो, लार्जर डेटा हो और लार्ज सैम्पल साइज़ हो, इंडिपेंडेंटली किया वो हमने और नॉर्मल में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, होमोजीनियस डेटा हो, कैटेगोरियल हो, कंटिन्यूज हो, तो उस वक्त हम नॉमिनल हमारे पास डेटा हो तो उस वक्त हम लगाते हैं इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। अब अगर आप यहाँ पे लिख दें तो IQ है, ऑब्जर्वेशन है, एज है, जेंडर है, तो ये हमारे पास जेंडर भी टू कैटेगरीज हैं, कैटेगोरियल डेटा है या नॉमिनल डेटा है, ऑर्डिनल डेटा है, ऑर्डर नॉमिनल डेटा है और यहाँ पे मैंने नॉमिनल किया भी हुआ है। नॉमिनल्स मीन कैटेगरी, कैटेगोरियल डेटा मेरा 1 और 2। इसी तरह से फैमिली सिस्टम को भी मैंने न्यूक्लियर और ज्वाइंट किया हुआ है और इसी तरह आप मैरिटल स्टेटस को देखें तो भी मैरिड और अनमैरिड अनरिलेटेड है, ये रिलेट नहीं करती। मैरिड करेक्टरिस्टिक नॉट रिलेटेड विद अनमैरिड एंड मेल करेक्टरिस्टिक नॉट रिलेट विद फीमेल। अनरिलेटेड दो ग्रुप से इनका कंपैरिजन करना है। डेटा मेरे पास ऑलरेडी फिटेड है, ये आपके पास मैं पहले भी बता चुकी हूँ। हमारे पास ये मेन्यू बार है न्यू कॉमर्स के लिए, फिर न्यू बार में से हम एनालिसिस मेन्यू में जाके इंडिपेंडेंट टी टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। ये आपके पास जो है वो केसेस हैं और ये आपके पास डेटा व्यू है, सॉरी वेरिएबल व्यू है, और डेटा व्यू में मैं जाऊँगी तो ये डेटा मैंने ऑलरेडी पहले से इंटर किया हुआ है। डेटा को इंटर करना मैं पहले एक दो वीडियोस में बता चुकी हूँ। आप देखें तो IQ का डेटा मैंने इंटर किया है, ऑब्जर्वेशनल IQ का, मैथमेटिकल का, और एज मैंने ग्रुप्स को इंटर किया हुआ है, जेंडर मेल फीमेल को भी, और मैंने फैमिली सिस्टम न्यूक्लियर ज्वाइंट को भी इंटर किया हुआ है। अब मैरिड और अनमैरिड को भी मैंने डेटे को मैंने उसके हिसाब से इंटर किया हुआ है। अब मैंने आज जो परफॉर्म करना है वो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट एनालिसिस करना है, तो मैं एनालिसिस मेन्यू बार में से एनालिसिस मेन्यू में जाऊंगी, वहां से ये मैं कंपेयर मीन में इंडिपेंडेंट टी टेस्ट सैंपल में ये मैंने ऑलरेडी टेस्ट वेरिएबल्स में IQ को, ऑब्जर्वेशनल IQ को और मैथमेटिकल IQ को किया हुआ है। मैं इसको वापस भी ले जा सकती हूँ, ये देखें और ये वापस चलेगी, फिर वापस आ जाएं। मैंने जेंडर ये ले, वापस चला गया, फिर इसको वापस ले आए, डिफाइन कर दें ग्रुप्स, ग्रुप 1 को 1, 2 को 2 दे दें, कंटिन्यू, क्योंकि मैंने वहाँ पे मेल और फीमेल को जो वैल्यू असाइन की है कोडिंग के लिए वो 1 और 2 की है। अब यहाँ पे हम कॉन्फिडेंस लेवल, मैंने पहले कहा अजम्पशंस है कि हम 5% उसका अल्फ़ा प्रोबेबिलिटी या अल्फ़ा अज्यूम्स प्रोबेबिलिटी रखते हैं या अल्फ़ा लेवल रखते हैं, वो 5 रखते हैं, इसलिए यहाँ पे 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल है। और अगर मुझे उसकी अल्फ़ा 10 रखना है तो फिर ये 90% होगा। और एक्सक्लूड केसेस एनालिसिस बाय एनालिसिस ऑलरेडी पहले सिलेक्टेड है ना हो तो उसको करते हैं ये। अब मैं इसको ओके कर दूंगी तो मेरा आउटपुट व्यूअर में आ गया है। आउटपुट व्यूअर में आप ये देख सकते हैं और मैं आपको सेव करना भी बता देती हूँ, आउटपुट को कैसे सेव करना है। सेव एज में चले जाएँ, आउटपुट 2 लिखा हुआ है, SPO ये फाइल ओपन नहीं होगी, ऑल फाइल्स कर लें या SPSS करें, ये नहीं हुआ मुझसे, ऑल फाइल्स कर लिया और ये टी टेस्ट आउटपुट, तो ये मैं इसको सेव कर लेती हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। मैंने इसको सेव कर लिया, इसके एनालिसिस थोड़ा मैं बता देती हूँ। हम जो अकॉर्डिंग टू APA एनालिसिस करते हैं, इसके आउटकम का वो मीन का करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का करते हैं, और ये हमारे पास पी की सिग्निफिकेंस टू टेल जो है इसका करते हैं, या इसको हम टेबल में डालने के लिए इस वैल्यू को लेते हैं, टी यहाँ से उठाते हैं, और जो मीन और ST है ये हमारे पास मीन, अगर जिसका हायर मीन है वो ये इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल है। IQ फीमेल्स में हायर है, लिटिल बिट हायर है, लेकिन हायर है क्योंकि 6.61 है और मेल्स का 6.20 है। इसी तरह से ऑब्जर्वेशनल IQ भी, ऑब्जर्वेशनल
ऑब्जर्वेशन मेल की अच्छी है 5.20, लिटिल बिट माइनर डिफरेंस विद फीमेल 5.17। मैथमेटिकल आईक्यू देखें तो वो भी मेल में हायर है 4.30 और 10 पॉइंट्स कम है फीमेल्स के 5.20, माइनर डिफरेंस है। लेकिन इंटरप्रिटेशन ये है कि हम मीन का देखते हैं कि जिसका मीन ग्रेटर है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग है, उसमें वो चीज़ ज़्यादा है, आईक्यू ज़्यादा उसमें होगा जिसका मीन वैल्यू ज़्यादा होगी। फीमेल की मीन वैल्यू ज़्यादा है तो आईक्यू उनमें ज़्यादा है। आइदर किधर इतना डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। लेकिन इसी तरह से ऑब्जर्वेशनल आईक्यू में मेल का मीन वैल्यू ज़्यादा है तो उनमें ज़्यादा है ऑब्जर्वेशनल आईक्यू। मैथमेटिकल आईक्यू को देखें तो वह भी 10% जो है वो मेल में ज़्यादा है, 10 पॉइंट्स ज़्यादा है, तो इसलिए मीन वैल्यू जिसकी ज़्यादा हो तो वो स्टडी वेरिएबल या वो करेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट्स पार्टिसिपेंट में ज़्यादा होती है। और यहाँ पे हम दोनों ग्रुप्स का कंपैरिजन कर रहे थे तो उनमें से हमारे पास फीमेल का आईक्यू हायर देन मेल, इसमें इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो भी हमारे पास वैल्यू हुई है उसमें ये ग्रेटर आ रहा है। फिर फुल फ्लेज इसका एनालिसिस मैं आपको एक और वीडियो में करवाऊंगी और APA स्टाइल में टेबल बनाना भी सिखाऊंगी। कीप टू वॉचिंग AUPTV चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।